नमस्कार मित्रों, ये मैटर 80 शब्द प्रति मिनट का होगा, जिसमें 400 शब्द होंगे और 5 मिनट का ये मैटर आपका होगा। आप तैयार हो जाएं लिखने के लिए। रेडी रेडी स्टार्ट। सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत है, उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण, उनमें देश के लिए नई दिशा का निर्देश देने की कोशिश की गई है। राष्ट्रपति अभिभाषण देश को नई दिशा देने की दिशा में बहुत ही उचित कदम है। पहला है समाज का अत्यंत गरीब वर्ग, जिसे हरिजन और आदिवासी कहते हैं, उसकी आर्थिक दशा सुधारने के लिए पूरी कोशिश की गई है। दूसरा है महंगाई रोकने के लिए ठोस कदम का उठाना, और तीसरा है जनता पार्टी की पैदा की गई स्थितियों को पूर्ण रूप से समाप्त कर शांति स्थापित करना। चौथा है आर्थिक स्थिति को मजबूत करना। पांचवा है किसानों की हालत सुधारने के लिए योजना बनाना, और छठा है नेहरू जी की विदेश नीति का अनुसरण। इन 6 भागों में राष्ट्रपति के अभिभाषण को बांट देंगे तो देखेंगे कि इससे अच्छा दिशा निर्देश दिया ही नहीं जा सकता था। मैं पहली बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आज समाज का गरीब वर्ग, जिसे हरिजन और आदिवासी कहते हैं, उसकी आर्थिक स्थिति काफ़ी गिरी हुई है। आज आप उस गांव में जाएं जहां हरिजन और आदिवासी रहते हैं, तो उनकी आर्थिक दशा और उनका रहन सहन देखकर आप यह महसूस करेंगे कि यह तो आदमी के रहने के घर नहीं है, बल्कि पशु के रहने का घर है। हमारे प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में 20 सूत्री कार्यक्रम जो चला, उसके अंदर हम यह दावा तो नहीं करते कि हमारी सारी की सारी समस्याएं हल हो गईं, लेकिन उससे हमारे हरिजन और आदिवासी लोगों के अंदर यह भावना पैदा हुई कि आज की सरकार ही एक सरकार है जो उनकी दशा में सुधार ला सकती है और उनकी आर्थिक हालत में परिवर्तन ला सकती है। मैं इस संबंध में कुछ सुझाव भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत हरिजन और आदिवासी को कुछ जमीन दी गई थी, परंतु लोक दल तथा अन्य सरकार के जमाने में उनकी वह जमीन जो उनसे छीन ली गई थी, उनको फिर से उस पर बसाने की कोशिश की जाए। मैं सरकार से यह कहना चाहता हूँ कि हरिजन को सिर्फ जमीन देना ही काफ़ी नहीं है, उनको जमीन अवश्य दी जाए, और इस काम को वह अपना मुख्य काम समझकर करें। ब्राह्म उम्मीद करता हूँ मैटर
अच्छा लिखा गया होगा, क्योंकि मैटर में सभी शब्द हल्के थे, इसलिए कहीं कहीं पर स्पीड को घटाया बढ़ाया गया है। परेशान आप बिल्कुल ना हों। चलिए अब आप मैटर को मिलाइए। चेंज। सभापति महोदय कुमार, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव बिना पिक्चर सदन के सामने प्रस्तुत है, उसका समर्थन करने के लिए मैं बिंदी आएगी डबल मात्रा खड़ा हुआ हूँ, ब्राम। हूँ पे चंद्र बिंदी आती है, ब्राम। राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण, उनमें देश के लिए नई दिशा का निर्देश देने की बड़ी की मात्रा, कोशिश की बड़ी की मात्रा गई है, ब्राम। राष्ट्रपति अभिभाषण देश को नई दिशा देने की दिशा में बहुत ही उचित कदम है, ब्राम। पहला है समाज का अत्यंत गरीब वर्ग जिसे हरिजन और आदिवासी कहते हैं, बिंदी आएगी, ब्राम। उसकी आर्थिक दशा सुधारने के लिए पूरी कोशिश की गई है, ब्राम। दूसरा है महंगाई, है पे चंद्र बिंदी आएगी और बड़ी ई, रोकने के लिए ठोस कदम का उठाना। और तीसरा है जनता पार्टी की बड़ी की मात्रा, पैदा की बड़ी की मात्रा गई स्थितियों, बिंदी, को पूर्ण रूप से समाप्त कर शांति स्थापित करना, ब्राम। चौथा डबल मात्रा आएगी चाय पे, है आर्थिक स्थिति को मजबूत पेचरब करना, ब्राम। पांचवा पापे चंद्र बिंदी आएगी, है किसानों, बिंदी, की बड़ी की मात्रा, हालत सुधारने के लिए योजना बनाना। और छठा है नेहरू, बड़ा रू आएगा, जी की बड़ी की मात्रा, विदेश नीति का अनुसरण, ब्राम। इन 6 भागों में राष्ट्रपति के अभिभाषण को बांट देंगे, दे पे बिंदी आएगी, तो देखेंगे, खे पे बिंदी की छोटी मात्रा, इससे अच्छा दिशा निर्देश दिया ही नहीं जा सकता है, ब्राम। चेंज। मैं पे डबल मात्रा और बिंदी, पहली बात की बड़ी की मात्रा और सिंगल मात्रा आएगी, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, ब्राम। आज समाज का गरीब वर्ग जिसे हरिजन और आदिवासी कहते हैं, बिंदी कोमा, उसकी आर्थिक स्थिति काफी गिरी हुई है, ब्राम। आज आप उस गांव, गा पे बिंदी आएगी चंद्र बिंदी, में जाएं, चंद्र बिंदी, जहाँ चंद्र बिंदी हरिजन और आदिवासी रहते हैं, बिंदी, तो उनकी आर्थिक दशा और उनका रहन डह सहन देखकर आप यह महसूस छोटे से आएंगे बड़े की मात्रा करेंगे, रे पे बिंदी की छोटी की मात्रा, यह तो आदमी के रहने के घर नहीं है, बिंदी, बल्कि पशु के रहने का घर है, ब्राम। हमारे प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में 20 पेचरब बड़ी की मात्रा छोटा से डैश सूत्री कार्यक्रम जो चला, उसके अंदर हम यह दावा तो नहीं करते कि छोटी की मात्रा हमारी सारी की सारी समस्याएं चंद्रबिंदी हल हो गई कोमा, लेकिन गई पे बिंदी आनी चाहिए, यहाँ बिंदी आएगी, हल हो गई बिंदी कोमा, लेकिन उससे हमारे हरिजन और आदिवासी लोगों के अंदर यह भावना पैदा हुई कि छोटी मात्रा आज की सरकार ही एक सरकार है जो उनकी दशा में सुधार ला सकती है और उनकी आर्थिक हालत में परिवर्तन ला सकती है, ब्राम। मैं बिंदी आएगी इस संबंध में कुछ सुझाव भी आपके सामने रखना चाहता हूँ, ब्राम। आप जानते हैं बिंदी की छोटी मात्रा 20 डैश सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत हरिजन और आदिवासी को कुछ जमीन दी गई थी कुमा, परंतु लोकदल तथा अन्य सरकार के जमाने में उनकी वह जमीन जो उनसे छीन ली गई थी, उनको फिर से उस पर बसाने, पिक्चर अब है छोटा सा, की कोशिश की जाए, ब्राह्म। मैं डबल मात्रा बिंदी सरकार से यह कहना चाहता हूँ कि छोटी मात्रा हरिजन को सिर्फ जमीन देना ही काफी नहीं है, ब्राह्म, उसको जमीन अवश्य दी जाए और इस काम को वह
अपना मुख्य काम समझकर करें, बिंदी विराम। अब आप अपनी गलतियां देखें, कितनी मिस्टेक्स हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। आपके लिए ये वीडियो कितनी सहायक है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपने सुझाव दें। धन्यवाद। जय माँ सरस्वती।